चरण में इटावा लोकसभा को लेकर मतदान होना आज पोलिंग ना हुई है। मेरे साथ इस समय इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा हैं। वर्मा जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं पुलिस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इटावा को लेकर सेंसिटिव एरिया बोला जाता है, तो यहां किस तरह पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था की है? जैसे कि आप जानते हैं कि तीसरे चरण में हमारा जसवंत नगर का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ है और पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी। उसी क्रम में इटावा लोकसभा के अंतर्गत ये जो हमारी दो विधानसभाएं हैं, जो आपकी इटावा सदर और भरतना, इनमें हमारी सारी व्यवस्थापन कल ब्रीफिंग की गई पुलिस की जो है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे आज पोलिंग पार्टियां 258 पोलिंग पार्टियां हैं, जिनमें 210 से ऊपर जा चुकी हैं। बाकी जो आप जो कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दूं कि कार्रवाइयां जो की गई हैं इसमें 116 से लेकर जिला एक्ट से लेकर जिला बदल तक की कार्रवाइयाँ की गई हैं। जनपदी बॉर्डर, अंतरराज्य बॉर्डर और अंतर जनपदी बॉर्डर दोनों पर पांच है आपके आपके हमारे जो गणना के अनुसार। साथ ही साथ इसमें जो हमारे थाना मोबाइल है, चाहे वो QRT मोबाइल है, क्लस्टर मोबाइल है, साथ ही साथ एडिशन SP CO SSP DM तक के जो PAC हमारी तीन कंपनी PAC अलग से भी आई हुई है, इसके लिए सारी जो व्यवस्थापन किया गया है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, हर बूथ को नजर में रखते हुए कि इस पूरे चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में निश्चित तौर से पूरी टीम के साथ हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और हर संवेदनशील बिंदु पर नजर रखते हुए इस चुनाव को हम सकुशल संपन्न कराने में सफल होंगे। देखिए, कुछ हमारे सूचनाएं जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके आधार पर कुछ सूचनाएं आई थी, जिसके आधार पर कुछ क्रिटिकल बूथ या कुछ वल्नरेबल बूथ हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें शहर के कुछ ऐसे बूथ थे या भरथना के थे जहां पर हमने ड्रोन से जो है उनका सर्वे किया और उनकी छतों का, ताकि उनके आसपास जो भी हमारा जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग सेंटर है, उसके आसपास जो छत है उनका सर्वे कर सके, उसमें कोई अराजक तत्व अगर सक्रिय होने का प्रयास करे तो उन पर नजर रख सके, इस दृष्टिकोण से कराया गया था। साथ ही साथ जो वेवकास्टिंग है, वेवकास्टिंग ऐसे क्रिटिकल बूथों के साथ साथ संवेदनशील जो बूथ जो हमारे हिसाब से हमारे जिलाधिकारी और हमारे हिसाब से जो भी हमको लगता है कि ऐसे संवेदनशील बूथ हैं, तो उनको हम वेवकास्टिंग के माध्यम से लाइव उसमें हम देखते हैं उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से। तदनुसार हम अपनी टीम को, जो हमारी मोबाइल्स लगी हुई हैं, उनको हम ब्रीफ करते हैं और तत्काल प्रभाव से जो वोटिंग चलती रहती है उसमें उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, जैसा कि मेरी DM साहब से बात हुई थी, एक तो पानी की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, शेड की व्यवस्था DM साहब कर रहे हैं। तो इन लोगों को जो कि ऐसे जो बुजुर्ग हैं, आप जानते हो कि जो 80 प्लस थे उनके लिए व्यवस्था अलग से की गई थी, पहले ही उनका वोटिंग कराई गई थी जो है। तो इस संबंध में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसमें जागरूकता फैला करके, साथ ही साथ हर जगह जो स्लीपर वाला जो एक जो सिस्टम था कि जो हमारा जैसे ऐसे लोग जो कि जहाँ जहाँ पर संवेदनशीलता हमको नजर आई है, उसमें वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम अपने जो एरिया डोमिनेशन होता है पैरामिलिट्री फोर्स का, उसका हमने काफ़ी कुछ किया है। ऐसे संवेदनशील बूथ, ऐसे क्रिमिनल बेल्ट में जहाँ पर कुछ क्राइम होते रहे हैं या हुए हैं, उनमें हमने एरिया डोमिनेशन पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे शेड्यूल के साथ बनाए थे, ताकि जो है कोई अव्यवस्था ना हो सके, साथ अच्छे से चुनाव हो सके। तो किस तरह की अपील रहेगी लोगों से, आम जनमानस? बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है कि चुनाव को जो अपने अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन निश्चित तौर से भी मैं कहूंगा कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें उनमें कार्रवाई करने पड़े। हमने पिछले जसवंत नगर में हमने काफी लोगों को गिरफ्तार किया था, इसीलिए हमने कार्रवाइयां भी की है। जो लोग चाह रहे थे कि इम्पर्सोनेशन करना चाह रहे थे दूसरे की आईडी के आधार पर, या जिसका वोट पड़ गया है उसका पता करके जो है इस्तेमाल करने का जो प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की थी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सिर्फ अपना वोट डालें, जिन निश्चित तौर से आपका अधिकार है, निश्चित तौर से सारी महिलाएं पुरुष जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो उसके साथ शामिल हो, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें, ना कि किसी दूसरे के स्थान पर वोट डाले जाए, नहीं तो हमको कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और निश्चित तौर से जो गार्जियंस हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो लोग भी
अपने बच्चों को जो इसमें इस बार पहली बार हो रहे हैं और जो पहले से भी हो चुके हैं उनको एक ऐसा गाइडेंस दें कि अपने मताधिकार का प्रयोग तो अवश्य करें लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करें जो कानून के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हमें फिर हमें विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़े। ये आपने देखा, ये इटावा के एसएसपी संजय वर्मा है, इनका कहना है कि पुलिस की व्यवस्था तो मजबूत की गई है, पीएसी बल भी लगाया गया है, वेबकास्टिंग भी की जा रही है, लेकिन लोग मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। एबीपी न्यूज भी अपील करता है कि पहले मतदान उसके बाद कोई काम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।